इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, आइए उन्हीं से बात करें। सर, लगातार बैठकें हो रही है चुनावों को लेकर, आज भी बैठक हुई आपकी, सर क्या कुछ मंथन किया जा रहा है दिल्ली में, कोई नए चेहरे आएंगे या फिर जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा? अब देखिए, एक लोकतांत्रिक पद्धति है, 16 तारीख को नोटिफिकेशन है, 16 से नॉमिनेशन शुरू होगा, 23 तक चलेगा, 23 अप्रैल तक, 26 तक नाम वापस लेने का समय है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे सिटिंग सांसद हैं उनका नाम तो हम भेज ही रहे हैं ऊपर, लेकिन जो और लोग भी इच्छुक हैं, तो एक तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र पार्टी में भी होता है, तो जो लोग इच्छुक हैं उनका भी नाम हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। सर, आज गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कयास लगाए जा रहे हैं कि नई दिल्ली से उनको टिकट मिल सकता है, सर उस पर क्या कुछ आपका पॉइंट है? नहीं, गौतम गंभीर जैसे व्यक्ति का बीजेपी ज्वाइन करना, जिन्होंने पूरे देश का नाम कर रखा है खेल जगत में, तो पहले तो ये दिखाता है कि बीजेपी की कितनी पैठ बनी है खिलाड़ियों के मन में, समाज के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और पीछे कई समय से मैं देख रहा था गौतम गंभीर जी काफी राष्ट्रवादी ट्वीट्स और विचार अपने रख रहे थे, तो उनका बीजेपी में आना ही बहुत खुशी की बात है। अब आगे हमारा शीर्ष नेतृत्व तो क्या करेगा, ये भी देखने का बात है। सर, आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव जैसे आते हैं सर, जो बयानबाजी है वो शुरू हो जाती है, मर्यादा जो है वो भूली जाती है। कांग्रेस की तरफ से आज जो उनके ओवरसीज अध्यक्ष हैं सैम, उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमला जो हुआ था और अगर जो 26/11 हुआ है उसमें कुछ लोगों का हाथ था, तो पूरे पाकिस्तान को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? सर, ऐसे में इतना बड़ा विवादित बयान कांग्रेस की तरफ से, कैसे देखते हैं सर इस चीज को? असल में मूल चरित्र कांग्रेस का यही है कि इन लोगों ने कभी आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद परोसने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़े ही नहीं हुए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि टेररिज्म के खिलाफ और जो टेररिज्म परोस रहा है, पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप है उसको नष्ट करना पड़ा हमें, पाकिस्तान के अंदर न जाने कितने लोग आतंकवादी शरणार्थी हैं, पूरा दुनिया कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, फिर भी आप उनको बचाने में लगे हैं। अगर आप खुद ही वहां कर देते अपना एक्शन तो भारत को करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन याद रहे दुनिया को कि अब भारत वो भारत नहीं है पहले वाला भारत, अब वो भारत है जब हमने समझाने की हमारी सीमा खत्म हो गई है। अब जो हमारी तरफ आंख उठा के दिखाए देखे देखेगा हम उसको घुस के मारेंगे, हम इस स्थिति में हैं एंड वी आर डूइंग। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिन्होंने साफ किया कि सभी उम्मीदवारों का नाम केंद्र को जरूर भेजा जा रहा है, मंथन हो रहा है, और जो उम्मीदवार जीतने लायक हैं, जिन्होंने काम किया है, उन्हीं को जरूर टिकट दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ संदीप गौ